संस्था जी जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला और बाल विकास की कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें संस्था अध्यक्ष संजीव चौहान के द्वारा किशोरी बालिकाओं की शिक्षा और उनकी समस्या पर प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में एक सार्थक पहल के अंतर्गत आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीमती प्रमिला बुगना, श्रीमती असित तिग्गा को संविधान की प्रस्तावना और दीवार घड़ी भेंट की गई। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जी सर, आज का प्रशिक्षण बहुत अच्छा हुआ और हमको यह मतलब किशोरी बालिका को उसमें समझाया गया है ना, समझाया गया है कि बालिका को कैसे सशक्त होना है, कैसे आगे एजुकेशन पाना है, कैसे करना है, आगे अगर कोई समस्या आती है तो अपनों को कैसे उसे निराकरण करना है, फिर आगे पढ़ाई कैसे करना है, इसके बारे में पूरा सर ने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी, बहुत अच्छा लगा। मैडम ने जो बातें बताई और केंद्र पे चौथा मंगलवार जब आता है हमारा किशोरी बालिका का, तो सर यही हम उनको बताते हैं और अपने आप में सशक्त बनो, अपने आप निर्भर बनो कि आप किसी के ऊपर निर्भर मत, और अपने बच्चे को अपन को विश्वास करना पड़े, ऐसा नहीं विश्वास पे इमाम जाओ वहाँ मत जाओ, जाना पड़ेगा वो तो रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। अच्छी ट्रेनिंग भी अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, किशोरी बालिका के लिए बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बारे में क्या रहा आज की जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आंगनबाड़ी वर्कर्स को किशोरी बालिका है उनके सशक्तिकरण और उनके उन्मुखीकरण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो हम लोग हमेशा किशोरी बालिका को चौथे सप्ताह में मंगलवार को जागरूक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन क्यों नहीं उनकी पूरी हो पाती है, क्यों जल्दी छोड़ देते हैं, उनके माँ बाप को हम लोग किस लेवल तक समझा पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो इसलिए हमारे संस्था के संजू सर इनके द्वारा हमें बताया गया कि हमें कहाँ तक जाके मतलब नीचे से नीचे स्तर पर जाके किस तरह से समझाना चाहिए और कहाँ कमी आ रही है, वो सारे डाउट सर क्लियर किए गए। क्वेश्चन थे कुछ हम लोगों के दिमागों में, खासतौर पर हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, वहाँ पर बहुत सारे सामाजिक कारण हैं जिसके कारण जो किशोरी बालिका हैं उनकी शिक्षा या उनके सोशल जैसे समाज में बाहर जाने करने पर जो भी समस्याएं आती इस संबंध में डाउट्स जो थे वो भैया ने क्लियर किया, बहुत सारे क्वेश्चन भी थे कार्यकर्ताओं के माइंड में, वो सब हम लोगों ने आज यहाँ पर क्लियर किए हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी बालिकाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको इस प्रशिक्षण के माध्यम से और इसके अलावा? किशोरी बालिकाओं का मेरी तरफ से बस यही संदेश है कि सबसे ज़्यादा उन्हें अगर सशक्त होना है, अगर सशक्त होने की बात हम करते हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले होगी एजुकेशन से, अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम वो समझ पाएंगे कि हम लोग क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो उनको हम नहीं समझा पाएंगे, इसके लिए हमें काम करना है। इसकी वजह उसके पेरेंट्स, हमें सारे सिस्टम को ही सुधारना पड़ेगा। आपका नाम बताओ? मेरा नाम रूपा गोरिया है, मैं सुपरवाइजर हूँ महिला बाल विकास देखभालपुर परियोजना एक से। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।